लाइसेंस वक्त की बड़ी खबर है, कॉलेज के प्रोफेसर से मारपीट की गई है। फरार आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। एसपी ने 10-10 हजार के इनाम की घोषणा कर दी है। आरोपी प्रवीर शर्मा, शिवम मिश्रा के पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। आरोपी धीरज के फोटो भी चिपकाए गए हैं। 3 आरोपियों की रीवा से गिरफ्तारी हो चुकी है। 19 जुलाई को बदमाशों ने प्रोफेसर की पिटाई की थी। इस मामले में बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं डॉक्टर खूबचंद बघेल, शासकीय कॉलेज के प्रोफेसर के साथ। देखिए, घटना हुई थी, प्रोफेसर विनोद शर्मा को अस्पताल ले जाना पड़ा था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कॉलेज के प्रोफेसर से मारपीट का ये पूरा मामला है। अब फरार आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। एसपी ने 10-10 हजार रुपए के इनाम की घोषणा कर दी है। आरोपी प्रवीर शर्मा और शिवम मिश्रा के पोस्टर भी लगा दिए गए हैं ताकि उनको ढूंढने में, उनको तलाशने में मदद मिले। आरोपी धीरज के भी फोटो चिपकाए गए हैं। 3 आरोपियों की रीवा से इस मामले में पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। कर दिया है। एसपी ने 10-10 हजार के इनाम की घोषणा की। आरोपी प्रवीण शर्मा, शिवम मिश्रा के पोस्टर लगे हैं। आरोपी धीरज, रोहित, इनके भी फोटो लगाए गए हैं। रोहन उपाध्याय के फोटो चिपकाए गए हैं। 3 आरोपियों की रीवा से गिरफ्तारी हुई है। 19 जुलाई को इन बदमाशों ने प्रोफेसर की पिटाई की थी। डॉक्टर खूबचंद बघेल, शासकीय कॉलेज के प्रोफेसर विनोद शर्मा को अस्पताल ले जाना पड़ा, इतना मारा था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस एक्शन ले रही है और अब इन आरोपियों के पोस्टर लगाए गए हैं। तो प्रोफेसर से मारपीट के आरोपियों की तलाश जारी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो आरोपी हैं उनके पोस्टर कैंपस में लगाए गए हैं। कोमल हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ी हुई। कोमल, बताएं, जानकारी दें पूरी। एक पूरा यह मामला था, खूबचंद बघेल बिलायतिन के जो कॉलेज, सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर विनोद शर्मा के साथ मारपीट हुई थी। उस घटना के बाद लगातार पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी और पिछले कुछ दिनों पहले रीवा से 3 आरोपियों को पकड़ा गया था, जिसके बाद कुछ लोगों के नाम और सामने आए थे। इसमें पुलिस ने आज लुकआउट नोटिस जारी किया। एसपी जितेंद्र शर्मा ने 10-10 हजार रुपए के इनाम की भी घोषणा की है। इसके साथ में एसपी जितेंद्र शर्मा ने यहां तक कहा है कि गिरफ्तारी तो होगी, साथ ही इन आरोपियों की संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है। इसके अलावा इनके जो पोस्टर है, धीरज, शुभम और प्रवीण शर्मा के जो पोस्टर है वो बिलायतिन थाना सहित आसपास के बिलायतिन थाना क्षेत्र के आसपास लगाए गए हैं ताकि अगर किसी को इसकी सूचना हो तो वो पुलिस तक पहुंचा सकते हैं। और ये पूरा जो मामला है, इसमें जो डॉक्टर विनोद शर्मा है वो फिलहाल उनकी काफी पिटाई हुई थी, उनका इलाज, अब वो इलाज के लिए भी दिल्ली में मौजूद है। और ये जो पूरा मामला है ये जुलाई 19 का है पूरा। ये शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो जैसा हमारी सहयोगी ने बताया कि 19